बच्चों गुड आफ्टरनून। आज कक्षा सात में विषय इतिहास अभ्यास चार आपको इसमें जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया जाएगा, इसके बारे में समझाया जाएगा। फिर अगली क्लास जो है आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाने की होगी, तो इसको आप समझिए। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत क्या है? ये दिल्ली सल्तनत आपका जब मोहम्मद गोरी जो है ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया तराई के तृतीय युद्ध में। तराई का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में। तृतीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने का मुख्य कारण जयचंद्र था, जिसको बाद में दो साल बाद 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को उसको भी पराजित कर दिया और मार दिया। उसके बाद वह यहाँ से धन संपदा लूट करके वापस अपने देश चला गया और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक इसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की। चार वर्ष पश्चात 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के पास कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाया और यह हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को मानने वाला व्यक्ति था और दोनों धर्मों के लोगों को दान देता था, दयावान व्यक्ति था, इसलिए इसे इसको लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आलम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह जल्द ही गद्दी से उतार दिया गया, अयोग्य घोषित करके उसको हटा दिया गया। उसकी जगह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। यह गद्दी पर बैठा और इसने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई कुतुब मीनार को का निर्माण पूरा करवाया। शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी, लेकिन उसको कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश ने कुलीन वर्ग के 40 सरदारों का एक गठन किया जिसे चालीसा के नाम से जानते हैं। उसने अपने साम्राज्य की भूमि को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भूमि के ये टुकड़े एकता कहलाए। उसके बाद 1236 ईस्वी में इसकी पुत्री रजिया रजिया
को सुल्तान बनाया गया और इसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन किया। यह पहली मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया। कुछ सरदार ऐसे थे जिन्हें रजिया का महिला का रजिया एक मुस्लिम औरत थी और उसका शासन पसंद नहीं था, इसलिए उसको षड्यंत्र करके धीरे धीरे गद्दी से नीचे उतार दिया। फिर रजिया की हत्या कर दी गई। बलबन जो था उसके बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और धीरे धीरे उसने समस्त दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वह गुलाम वंश के शासकों में से एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। सिंहासन पर बैठने के बाद उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अनेक राजपूत राजा जो है वो विद्रोह कर चुके थे, उनसे लोहा लेना पड़ा। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई। उसके बाद खिलजी वंश का उदय हुआ। खिलजी वंश ने 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन जो खिलजी वंश का संस्थापक था उसने शासन किया 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन ने दिल्ली पर शासन किया और वही खिलजी वंश का स्थापक कहलाया। उसने अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को अवध और कारा का जनरल नियुक्त किया। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने अपने चाचा को मार दिया यानी जलालुद्दीन को मार दिया और स्वयं 1296 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन शासक बन गया दिल्ली का। उसके बाद फिर तुगलक वंश हुआ, सायद वंश हुआ, लोधी वंश हुआ। लोधी वंश को का पतन जो है बाबर के द्वारा हुआ। जब बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो उसने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और फिर मुगल सम्राट की स्थापना की बाबर। ठीक है, आज हमने आपको बुक रीड करवा दी है, बता दिया है शॉर्ट में। अब नेक्स्ट क्लास आपकी क्वेश्चन आंसर की होगी। तब तक आप बुक पढ़ लीजिए, इमेज हम भेज देंगे। ओके।